मित्रों, महाज्ञानी, महाशक्तिशाली धर्म रक्षक भगवान परशुराम, जिन्होंने महाभारत और रामायण दोनों ही महागाथाओं में अपने व्यक्तित्व से संसार का मार्गदर्शन किया। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी ही माता का सिर धड़ से अलग किया था? तो आखिर वो क्या कारण था कि हमेशा न्याय की रक्षा करने वाले, धर्म पर चलने वाले भगवान परशुराम जिस माता के आंचल में बड़े हुए, उसी की हत्या करने पर विवश हो गए, जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, विष्णु पुराण में वर्णित कथा के अनुसार परशुराम ऋषि जमदग्नि और रेणुका माता के पुत्र थे। पांच भाइयों में से परशुराम सबसे छोटे और आज्ञाकारी पुत्र थे। भगवान शिव जी ने उन्हें परशु प्रदान किया था, जिसको सदैव धारण करने के कारण वो परशुराम कहलाए। एक बार की बात है कि ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका को जंगल से लकड़ी लाने का आदेश दिया। जब रेणुका जंगल पहुंची तो उसी के निकट एक नदी थी। वहां उनकी मुलाकात एक राजा से हो गई। राजा बहुत ही रूपवान था। उस राजा को देखकर रेणुका जी उससे आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाई और दोनों एक दूसरे में खो गए। इधर ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी की काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। काफी समय बीत जाने के बाद रेणुका वापिस आश्रम आई तो ऋषि ने उनसे देर होने का कारण पूछा। तब उन्होंने झूठ बोल दिया। चूंकि ऋषि जमदग्नि प्रकांड विद्वान थे तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से ये जान लिया कि रेणुका किसी राजा की सुंदरता पर मोहित हो गई थी। उनको माँ रेणुका का झूठ बोलना बहुत नागवार गुजरा और वे क्रोधित हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि तुम अपनी माता की हत्या कर दो। मगर सभी चार पुत्रों ने माँ के प्रेम के चलते ये करने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब ऋषि जमदग्नि का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच चुका था और वो अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर में परशुराम वहां पर आ गए और ऋषि जमदग्नि उनसे बोले, पुत्र मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि कोई भी पुत्र मेरी एक बात नहीं मान रहा। परशुराम बोले, क्या बात है पिताजी, आदेश करिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके सभी आदेशों का पालन करूंगा। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी माता का सिर धड़ से अलग करना है। यह सुनकर परशुराम को एक धक्का लगा, लेकिन वो भी अपने पिता को वचन दे चुके थे। वो अपनी माता के सामने गए और रोते रोते उन्होंने फरसा उठाया और अपनी माता का सिर देखते ही देखते धड़ से अलग कर दिया। ये दृश्य देखकर बाकी के चार भाइयों की आंखों से अश्रुओं की धारा बह गई। ऐसा करने के बाद परशुराम जी भी आत्मग्लानि से भर गए और खूब तेज तेज रोने लगे। पर ऋषि जमदग्नि काफी खुश हुए और उन्होंने अपने पुत्र से कहा, मैं बहुत खुश हूँ, बोलो परशुराम तुम्हें क्या चाहिए, मांगो, अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। भगवान परशुराम जी अपनी माता की मृत्यु से अपना होशो आवास खो चुके थे और उन्हें पश्चाताप हो रहा था। इसीलिए उन्होंने पिताजी से कहा, मैं जो मांगूंगा आप वो देंगे ना? उनके पिताजी ने कहा, हाँ अवश्य दूंगा। तब परशुराम बोले, आप मेरी माता को पुनर्जीवित कर दीजिए। क्योंकि ऋषि जमदग्नि उच्च कोटि के विद्वान थे और अपने वचन के पक्के भी, इसीलिए वो अपने पुत्र की इस बात को मना नहीं कर पाए। उन्होंने अद्भुत शक्तियों से अपनी पत्नी रेणुका को दोबारा से जीवित कर दिया। लेकिन परशुराम जी पर तो मातृ हत्या का पाप लग चुका था और इस मातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम जी ने भगवान शिव की कठिन साधना की और महादेव ने तपस्या से प्रसन्न होकर उनको इस पाप से मुक्त भी कर दिया। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कथा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और सभी तरह की धार्मिक वस्तुएं खरीदने के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे पाएं, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें। तो फिलहाल मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।